हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गो फैशन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि इनका जो लॉक इन पीरियड था एंकर इन्वेस्टर से रिलेटेड, यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, जिसका डेट यहाँ पे कल का था। ठीक है, तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई तो आप देखिए 1132 इसका प्रीवियस क्लोजिंग था, एंड यहाँ पर ये कंपनी जब ओपन हुई उसका प्राइस था 1095। ठीक है, तो 1095 पे ये यहाँ पे ओपन हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो गिरावट है वो यहाँ पे बढ़ी, एंड यहाँ पे उसी के आसपास यहाँ पे ये बंद होते हुए तक हम लोगों को देखने को मिली है। ओवरऑल यहाँ पे आज के लो की अगर हम लोग बातें करें तो 1006 तक ये कंपनी हम लोगों को जाते हुए देखने को मिली है। ठीक है, आज के लो की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, ठीक है, देन यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट बंद होते तक ये 1070 तक गई, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पे इसमें बाइंग भी देखने को मिली है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में जो गिरावट है वो 5.55% का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि एंकर इन्वेस्टर के द्वारा ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर ने इसमें अपने जो माल है, ठीक है, यहाँ पे सेल किए थे। इसका मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पे केवल और केवल लिस्टिंग का फायदा लेने के लिए इस कंपनी में आए हुए थे। सो अभी वो लोग यहाँ पे निकल गए हैं, इसका साफ साफ मतलब हम लोगों को यहीं पे यही देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये कंपनी अगर देखा जाए तो अपने हाई से हम लोगों को करीब करीब ये 25% या उससे ज्यादा की गिरावट में ही देखने को मिल रही है। सो ऐसे में जिन लोगों ने इस कंपनी को हाई पे बाय किया होगा तो उनके कुछ सवाल होंगे, ठीक है, तो उसके जवाब यहां पे हम देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एंकर इन्वेस्टर यहां पे सेलिंग की है, तो इसका जो प्रेशर रहेगा वो आपको कल भी शायद से देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आते हैं जो लोग इसमें फंसे हुए हैं तो उनके सवाल का जवाब दोस्तों ये कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे देंगे। ठीक है, 19, 20, 21 ये 3 साल का डाटा है, एंड यहाँ पे आप देखिए जून 20 का है, एंड इसके जस्ट बगल में जून 21 का है। मतलब मार्च क्वार्टर्स के अगर बातें करें तो जस्ट क्वार्टर वन का ये डाटा हम लोगों को देखने को मिला है, तो डायरेक्टली यहाँ से जो है कंपेयर यहाँ पे हम लोग नहीं करने वाले। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट अब अगर आप देखेंगे तो 19 में देखिए 309 मिलियंस का था, 20 में 526, 21 में कंपनी माइनस में यहाँ पे ली गई। तो ये एक चीज है जो आप लोगों को यहाँ पे मालूम करना है, पता करना है। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर की अगर हम लोग बातें करें, इसके बाद का क्वार्टर, तो वो भी देखिए कितना बड़ा लॉस में कंपनी देखने को मिल गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे फंसे हुए, मान लो उन्होंने तेजी देख करके इस कंपनी को यहाँ पे बाय की होगी, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो वो लोग यहाँ पे फंसे हुए, तो उनसे मैं दोस्तों यहाँ पे यही कहूंगा कि सबसे पहले तो आप लोगों को इस कंपनी के रिजल्ट का यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रिजल्ट इनके अच्छे आ गए, ठीक है, इन कंडीशन अगर यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ गए तो आप लोग यहाँ पे इस कंपनी में होल्ड करके रहिएगा। ठीक है, देन यहाँ पे सेकंड कंडीशन, अगर इनके रिजल्ट यहाँ पे खराब आ गए तो दोस्तों अगर आप चाहें तो उसके बाद यहाँ पे आप निकल भी चल सकते हैं, इस कंपनी को सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लिस्टिंग अच्छी खासी हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस कंपनी को सेल करेंगे, जिसके बाद थोड़ी सी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा मार्केट में क्या होगा एंड आपकी सोच क्या है वो अलग हो सकती है, मेरी सोच और आपकी सोच अलग हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से भी डिसीजन लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन लेने के लिए आप स्वतंत्र, देखिए मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन तो देता नहीं हूँ, मैं केवल वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प हो जाए। मैं यहाँ पे सेल करने की जो बातें कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी पिछले 1.5 साल सॉरी 1 साल और 3 महीने से लॉस में है, एंड वो घाटा जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, एंड अगर रिजल्ट खराब आएंगे तो इसका मतलब यही होगा कि इनका जो रिजल्ट है और भी खराब हो जाएगा, मतलब कंपनी और भी लॉस में होगी। तो इसके बेसिस पे आप लोग इस कंपनी को यहाँ पे सेल करके निकल सकते हैं। फ्रेश बाय वालों को मैं यही कहूँगा कि जब तक ये कंपनी के रिजल्ट अच्छे देखने को ना मिले तब तक आप लोग इससे दूर रहें, खास करके बिगनर्स इससे दूर रहें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिगनर्स ऐसे ही कंपनियों में फंस जाते हैं, एंड जब कंपनी वहाँ पे रिटर्न्स नहीं देती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, एंड देन यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, वो लोग कहेंगे कि मैं शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनता है, एंड मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत पैसा बनता है, इतना पैसा बनता है कि आप लोग को मैं क्या बताऊँ, अगर इस मार्केट का केवल एक बूंद भी आप पे गिर गया तो आपकी कई पुश्ते बैठ के खाएंगी, इतना पैसा यहाँ पे बनता है। ठीक है,
तो दोस्तों आपको आपके सवाल का यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।